हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। और आपका क्रिकेटमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, लाइव क्लासेस किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि हम लोग प्रीमियर डालें, ठीक है। तो हम लोग रूल्स में चल रहे थे, नाउन के रूल्स में चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग 15 रूल्स हम लोगों ने कर लिए हैं यूजेस ऑफ नाउन में। तो अब जो है कि 16th रूल क्या कहता है हमारे नाउन का, उसको भी हम लोग देखते हुए चले। तो 16th रूल में जो है कि आपका कह रहा है कि देयर आर सम नाउन्स दैट आर कॉमन फॉर बोथ द जेंडर लाइक स्टूडेंट। देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें आप ये नहीं क्लियर कर सकते हैं कि उसका जेंडर क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है या फिर फेमिनिन जेंडर है, ये आप तय नहीं कर पाते हो। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं, जैसे कि आपको बता दिया जाए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जब प्रयोग किया जाता है, स्टूडेंट में दोनों लोग शामिल हो जाएंगे। कौन? फेमिनिन जेंडर भी शामिल हो जाएगा मैस्कुलिन में, यानी कि बच्चा भी और बच्ची भी, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, स्टूडेंट हो जाएगा। टीचर के लिए, चाइल्ड के लिए, एडवोकेट के लिए, वर्कर, क्लर्क, लीडर, म्यूजिशियन, कजिन, ड्राइवर, फ्रेंड, टीनेजर, ईटीसी। तो ये सारे जितने भी हैं, इसके लिए हमको ये नहीं होता है कि हमको पता नहीं होता है, तो इसमें दोनों जेंडर हम शामिल करते हैं। तो दे आर यूज बोथ मेल, और ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो अब स्टूडेंट्स में दोनों आ जाते हैं, मेल भी आ जाते हैं और आपके फीमेल भी आ जाते हैं, मतलब गर्ल्स भी आ जाएंगे, बॉयज भी आ जाएंगे, आपके दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो दीज गाइस ऑफ नाउन आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड जनरली ही हिज हिम आर यूज्ड आफ्टर देम। उनको डिनोट करने के लिए कि जेंडर कौन सा है, उसके लिए हमको ही यूज करना पड़ता है, हिज यूज करना पड़ता है, हिम यूज करना पड़ता है, ताकि पता चले कि वो जेंडर कौन सा है। बाकी स्टूडेंट से पता थोड़ी चलेगा कि कौन सा जो है कि जेंडर है, ठीक। जैसे कि माई मोम वर्क्स एट स्कूल, शी इज अ टीचर। अब यहाँ पे मॉम जब बोला क्या है, माई मॉम, तब आपको पता चला कि मदर की बात की जा रही है, एंड शी इज टीचर। अभी शी लगा दिया गया, तब हमको पता चला कि शी इज फीमेल, शी इज अ टीचर। हे टीचर रेफर्स टू मॉम एंड शी देयरफॉर रेफर्स टू अ फीमेल नाउन। माई डैड वर्क्स एट स्कूल, ही इज अ टीचर। अब यहाँ पे ही के वजह से हमको पता चला कि जो टीचर है भाई, वो किसकी बात चल रही है, मेल टीचर की बात चल रही है, ठीक है, किसकी चल रही, मेल टीचर की। तो डैड से पता चला, डैड से और ही से पता चला कि वो आपके क्या है, मेल टीचर है। अदरवाइज हमको पता नहीं होता है, इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं कि दोनों को हम लोग शामिल कर करके चलते हैं। बाकी नाउन में ही आपको जेंडर पढ़ने को मिलेगा, नंबर पढ़ने को मिलेगा, तो जेंडर के पोर्शन में हम लोग चलते हैं। कुछ नाउन के किस तरीके से फॉर्म चेंज होते हैं, उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो आइए देखते हैं जेंडर में क्या है। जेंडर की बात की जाए तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में चार तरीके के जेंडर को शामिल किया गया है। फर्स्ट विल बी मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनके डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। अगर मास्कुलिन जेंडर की बात करूँ मैं, मतलब आप जेंडर का मतलब लिंग कह सकते हो, हिंदी व्याकरण में आप लिंग पढ़े होंगे, है ना, तो लिंग कह सकते हो, ठीक। The noun that represent a male is known as the masculine gender, just like boy, man, lion, king, father, son, etc. Feminine gender की बात की जाए, a noun that represents a female is known as feminine gender, like girl, women, lioness, sister, mother, earth, goddess. ये कौन है, ये आपकी feminine gender में हो जाएंगे शामिल। बात करेंगे अगर common gender और neuter gender की, तो common gender में भैया दोनों होते हैं, ठीक है, कॉमन दोनों के लिए प्रयोग किया। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक समान, ठीक है। तो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज नोन एज द कॉमन जेंडर। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, टीचर, म्यूजिशियन, कजिन, ये पढ़ रहे थे, ये क्या होते हैं, ये आपके कॉमन जेंडर में आते हैं, ठीक। जैसे कि चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, टीचर हो गया, सर्वेंट हो गया, गेस्ट हो गया, इन्फेंट हो गया, ओनर हो गया, पेरेंट्स हो गए, ये क्या है, इनसे क्या पता चल रहा है, इनका ये नहीं पता चल रहा है, इनमें दोनों शामिल किया जाता है, मेल को भी और फीमेल को भी शामिल किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर की बात करी जाए तो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ थिंग दैट इज नॉन लिविंग कॉल्ड अ न्यूट्रल जेंडर, और स्पेशली जो है कि जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको न्यूट्रल जेंडर में शामिल किया जाता है। जैसे कि आपके ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स फॉल इन टू दिस कैटेगरी, जितने भी नॉन लिविंग कैटेगरी है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। बॉक्स, चेयर, चौक, बटर रूम, बुक, कॉपी, डीसी।
बात करें अगर जेंडर में रूल के, तो पहले रूल पे अगर हम आते हैं, पहले रूल पे, पहला रूल कहता है कि मैस्कुलिन कैन बी चेंज्ड इनटू फेमिनिन बाय एडिंग एस। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि ई डबल एस की बात करें अगर, है ना, ई डबल एस की बात करें, देखिए ये डिलीट हो गया मुझे लग रहा है, तो किसी किसी में ई डबल एस लगा करके हम उनका क्या कर लेते हैं, फेमिनिन बना लेते हैं। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, लायन का लायनेस हो गया, है ना, क्या हो जाता है, लायन का लायनेस, ठीक, लायन का लायनेस, हंटर का हंटरेस, वेटर का वेटरेस। लेकिन इनके साथ भी एक केस होता है, वो आई रूल नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे। रूल नंबर सेकंड कहता है कि कहीं भी आप अगर वॉवेल प्लस आर आता है, अगर मैस्कुलिन में वॉवेल प्लस आर आता है, ठीक, तो उसका फेमिनिन हम कैसे बनाते हैं, वॉवेल प्लस आर, क्या समझिए बात, वॉवेल प्लस आर की बात कर रहा है, वॉवेल प्लस आर की बात कर रहा है, आए तो दे कैन बी चेंज्ड इनटू फेमिनिन जेंडर बाय एडिंग ई, ये कंफर्म है, और तो किसी किसी नाउन में कर सकते हैं लेकिन ये कंफर्म है आपका, क्या कंफर्म है कि अगर वॉवेल है और उसके बाद आर आता है, जैसे कि एक्टर की बात कर ली जाए, एक्टर की बात कर ली जाए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉवेल है, ओ क्या है, ए ई ओ यू, ए आई ओ यू क्या है आपके, वॉवेल है ना, तो ओ आपका वॉवेल है, ठीक है, ओ आपका वॉवेल है और इसके जस्ट बाद आर आया है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यहां से जो वॉवेल है उसको रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, वॉवेल को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और आर के बाद ई डबल एस इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे अब एक्टर का है तो एक्टर में क्या करेंगे, एक्ट्रेस कर देंगे। अब इसमें से ओ आप देख रहे होंगे कि गायब हो गया, ओ को गायब कर दिया गया, वॉवेल हटा दिया गया और आर के बाद ई डबल एस कर देते हैं, तो ये आपके कौन से फॉर्म हो जाते हैं, आपके इस तरीके का एक रूल है। तो कभी भी आर के पहले वॉवेल आता है, याद रखिएगा, आर के पहले वॉवेल आता है, कोई भी वॉवेल आता है, तो उसमें से वो वॉवेल हटा, जब फेमिनिन बनाना हो तो, मैस्कुलिन में कभी भी आर के पहले वॉवेल आता है तो उसका फेमिनिन बनाने के लिए हम ओ को, यानी कि वॉवेल को रिमूव कर देते हैं और आर के बाद ई डबल एस लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे कि फाउंडर की बात करें, आप देख पा रहे होंगे फाउंडरेस, अब ई आर है ना इसमें, इसमें क्या है, फाउंडर में ई आर आप देख पा रहे होंगे, तो जो ई आर में है, ई हट गया है यहाँ पे और आर के बाद ई डबल एस लगा है। हंटर की बात करें तो हंटरेस है, वेटर की बात करें तो वेटरेस है आपका, तो ये रूल नंबर सेकंड। बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की, तो मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनिन बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। अब इस केस में आप पूरे तरीके से उनको बदल देते हैं, ठीक है, जैसे किंग का क्वीन हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, मैन का वीमेन हो जाएगा, गर्ल का बॉय का गर्ल हो जाएगा, ठीक है, बॉय का गर्ल हो गया, तो इसमें कोई इस तरीके के रूल लागू नहीं होते हैं, हमको इसको पढ़ना पड़ता है और याद करना पड़ता है, ठीक। तो इस तरीके से आपके जो है कि रूल नंबर थर्ड में आज बात करेंगे। अगर रूल नंबर फोर्थ की, रूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि फेमिनिन ऑफ द कंपाउंड नाउन इज मेड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड फॉर द कंपाउंड नाउन दैट कम्स इन फ्रंट। अगर आपको कहीं भी कंपाउंड नाउन दिखता है ना, जैसे कि ही बी और शी बी, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, जो पहला वाला फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है, ठीक, उसको हम लोग जस्ट जैसे कि उसको चेंज करके हम बनाते हैं। जैसे कि फेमिनिन ऑफ द कंपाउंड नाउन इज मेड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड फॉर द कंपाउंड नाउन दैट कम्स इन फ्रंट, पहले वाले को हम बदल देते हैं, ठीक, पहले वाले को या फिर आपका लास्ट वाले को, जो हाइफन लगा हुआ है आपका, उसको हम उसके बाद वाले को या फिर उसके पहले वाले को चेंज करके बनाते हैं। जैसे कि अगर ही बियर की बात की जाए, तो बियर जस का तस लगा रहेगा,
लेकिन यहाँ पे शी लगा देने से फेमिनिन हो गया। बात करेंगे अगर पी कॉक और पी हैन की बात करेंगे तो यहाँ पे पी सेम है, दोनों जगह जो है कि पी आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे कॉक और हैन बदल गया, है ना। जेंटल की बात करेंगे तो जेंटल जस का तस आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या बदल गया, इसमें मैन बदल गया, इसमें वेमेन हो गया, है ना। जैक एस की बात करें यानी गधा, तो गधी को क्या बोलेंगे, जेनी एस बोलेंगे। ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर हो जाता है। लैंड लॉर्ड, अब देखिए इसमें भी लैंड है, इसमें भी लैंड है, लेकिन इसमें लॉर्ड हो जाता है और ये आपका लेडी हो गया, है ना। उसी तरीके से मैन सर्वेंट की बात की जाए तो आपका सर्वेंट सेम का सेम रहेगा, सर्वेंट क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले वर्ड चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें मैन कर दिया गया तो इसको मेड सर्वेंट कर दिया गया, यानी नौकर और नौकरानी की बात की जा रही। तो ये थे आपके जेंडर के कुछ रूल्स। और नेक्स्ट डे जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं नंबर को, जिसमें हम लोग प्लूरल और सिंगुलर को देखेंगे। सिंगुलर और प्लूरल उनके कुछ नियम है, कुछ देख लेंगे उसको भी, प्लस एक दो नियम आपके नाउन में बचे हुए हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करा जाएगा, हम लोग बताएंगे। और पी वाई क्यूज में कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी वगैरह में, इसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो है कि जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें भी ये रूल्स जो है मैंने जो आपको बताया काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। जो पॉजिटिव एपोस्ट्रॉफी लगता है, पोजिशन दिखाने के लिए होता है ना, वो भी आपके लिए, ठीक। और आपके प्लूरल वगैरह के फॉर्म में जो चेंज होते हैं, जो रूल्स बनते हैं, उस केस में भी क्वेश्चंस कई बन चुके हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। और कल मैं नेक्स्ट डे जो है कि मैं लेकर के आ रही हूँ क्या नंबर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।